स्वतंत्रता दिवस पर उज्जैन जिले के महतपुर तहसील के गांव में दो शिक्षिकाएं झंडा वंदन के बाद अपने घर लौट रही थी, लेकिन अचानक तेज बारिश और नाले में उफान के चलते दोनों शिक्षिकाओं की कार को ड्राइवर ने निकालने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल नहीं हो पाया और कार बह गई। मशक्कत करने के बाद उनका शव बरामद हुआ है। कार के साथ नाले में ड्राइवर भी बह गया। 15 अगस्त पर उज्जैन जिले की महतपुर तहसील स्थित ग्राम बरखेड़ा में एक बुजुर्ग के शासकीय स्कूल में झंडा वंदन के बाद दो शिक्षिकाएं शैलजा पारखी तिलक नगर इंदौर आ रही थी और नीता शेलको निवासी उज्जैन दोनों ही ड्राइवर के साथ निकली थी, लेकिन वे देर रात तक घर नहीं पहुंची। यहां परिजन उन्हें तलाशते रहे। किसी ने घर वालों को बताया कि फोन बंद होने से पहले नीता ने अपने किसी परिचित से फोन करके कहा था कि हमारी कार डूब रही है। उसके बाद से तीनों के फोन बंद थे। इसी बीच प्रशासन को लगी खबर के बाद आसपास के ग्रामीणों ने उन्हें तेज बारिश में उफान पर आए पुलिया के आसपास ढूंढना शुरू किया। पुलिस और उनके साथ रेस्क्यू दल ने देर रात तक कार को तलाशने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा अधिक होने की वजह से सर्चिंग अभियान ज्यादा नहीं चल पाया। सुबह जब पानी नाले से कम हुआ तब रेस्क्यू दल को कार आज करीब 3 किलोमीटर दूर पर दिखाई दी, जिसमें दोनों शिक्षिकाओं के शव उन्हें मिले। वहीं 22 घंटे बाद उनके शव मिल पाए। घटना की सूचना मिलते ही महितपुर पुलिस स्टाफ सहित हम आ गए थे यहाँ पर। उसके बाद मेन कारण तो ये रहा कि इस पुलिया के अंदर एक झाप है, जो बीच में उस झाप में मतलब ड्राइवर अनुमान नहीं लगा पाया होगा और उसने गाड़ी उतार दी, जिससे पानी का बहुत तेज भाव था, जिससे गाड़ी यहाँ तक आ गई और ये हादसा हुआ। कारण तो ये रहा, बस पानी का भाव ज़्यादा था और उसमें ये बैरिकेड्स भी लगे हुए थे, उन्होंने बैरिकेड्स हटा के ही गाड़ी निकाली। स्टॉपर लगे हुए थे, उन्होंने स्टॉपर को हटा के और जल्दबाजी में गाड़ी। किला महितपुर के गोताखोर टीम, ग्राम बनी और ग्राम सेमलिया के ग्रामीण जन और आसपास के रसूलपुरा के भी ग्रामीण जनों ने काफ़ी मदद करी है। और कल से अभियान चल रहा है। सुबह रात में 12:30 बजे बाद फिर बंद कर दिया गया, क्योंकि अंधेरा होने से यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं होने से आगे रेस्क्यू नहीं हो पाया। उसके बाद फिर सुबह उज्जैन की टीम, रात में उज्जैन की रेस्क्यू टीम आ गई थी। उसके बाद फिर सभी टीम ने मिल के संयुक्त कार्रवाई करके फिर आगे बढ़ते गए और ये गाड़ी फिर मिली। पानी का बहाव भी कम हो चुका था, उनकी बॉडी मिल गई है और तीनों बॉडी अभी महितपुर अस्पताल में पहुँचा दी गई।